वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट, डेफिनेशन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, गिव डेफिनेशन फॉर ईच टर्म्स। जो भी टर्म्स दिए गए उनका डेफिनेशन देना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अगर कोई उसमें उस डेफिनेशन में कोई ऐसा टर्म्स आ जाता है कि उसे आपको फिर से डिफाइन करना पड़े, तो उसको भी आपको डिफाइन करना है। राइट, एंड दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट, एंड व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दे। और हमें बताना है कि वो क्यों हमने उसे डिफाइन किया है, कितना जरूरी क्यों था। चलो फर्स्ट हम लेते हैं सॉल्यूशन में, फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं। राइट, डिफाइन है हमारा फर्स्ट। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में हमें बताना है कि इस पैरेलल लाइन में हम पहले टू लाइन ले लेते हैं ऐसा जो पैरेलल है, इसका डेफिनेशन देने के लिए। एम और एन। अब अगर मैं कितना भी इसे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक्सपांड करूंगा, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। तो इसी पर से हम लिख सकते हैं ये दोनों कैसे स्ट्रेट लाइन है। राइट, टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। Is called parallel line, right? ऐसे दो स्ट्रेट लाइन कि जो जितना भी उसे एक्सपांड कर वो कहीं पर भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हो, तो उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। राइट, सेकेंड जो हमें क्वांटिटीज दिया गया है, सेकेंड जो टर्म्स हमें दिया गया वो है परपेंडिकुलर लाइन। सेकेंड इज परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं ये लाइन, परपेंडिकुलर मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इस पर से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू लाइन which are intersect at point at right angle at right angle, right, is called two line which are intersect at right angle is called perpendicular line। अगर दो line कहीं पर भी intersect कर रहे हैं और वो 90 degree का angle draw कर रहे हैं या बना रहे हैं वहाँ पे make कर रहे हैं, तो उसे हम perpendicular line कहेंगे। Third हमें दिया गया है line segment। Third is line segment। लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो लाइन सेगमेंट में क्या आएगा कि जैसे मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट लेता हूं, ए बी, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसमें दो इन पॉइंट हो गए, ये दोनों इस पॉइंट्स पे खत्म हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए लाइन विच है विच हैज टू एंड्स पॉइंट is called line segment।
ए लाइन विच हैज टू एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट राइट. नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल हम किसे कहेंगे. मैं यहाँ पे एक सर्कल हूँ, सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर होता है. इस सेंटर से और यहाँ तक सर्कल सर्कल के किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस या ऐसा हम कह सकते हैं लेंथ, तो ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया. तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे जो है वो एक सेंटर, उसका एक इन पॉइंट सेंटर है और दूसरा है सेंटर पर. तो ऐसा आप लिख सकते हैं ए लाइन सेगमेंट विच हैज वन एंड पॉइंट्स एट एस फ्रॉम द या ऐसे लाइन एट द सेंटर एंड सेकेंड इन पॉइंट्स ऑन द सर्कल. तो इस तरह से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका. दूसरा हम डेफिनेशन लिख सकते हैं द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू सर्कल राइट. मैं दोनों डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे. तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ए लाइन सेगमेंट विच है वन इन पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अदर इज अदर ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. दूसरा डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, दूसरा डेफिनेशन आएगा ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल टू सर्कल. A line segment from center of the circle to circle is called radius of the circle. Right. Now next and last the definition of square. स्क्वायर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर हम किसको कहते हैं कि जिसके सभी साइड्स इक्वल हो और साइड्स इक्वल होने के साथ साथ में सभी एंगल्स भी 90 डिग्री के हो, सभी साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल राइट एंगल. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज All sides are equal and all angles are right angle is called a square. Right. तो इस तरह से हम सबका definition find कर सकते हैं. क्वाड्रिलेटरल का दूसरा अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हो ए सिंपल पॉलीगॉन या सिंपल पॉलीगॉन विच हैज ऑल साइड्स आर या सॉरी ए रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर मीन्स हो गया सभी साइड, ए रेगुलर पॉलीगॉन विच हैज फोर साइड, तो इसे भी हम स्क्वायर कहते हैं. थैंक यू.